आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 26 अक्टूबर को कपड़ा व्यवसायी के पैर में गोली मारकर लाखों रुपए की लूट करने वाले दो अभियुक्तों को खजनी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। लूट का 1,88,500 रुपए किया बरामद। एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा। एडीजी जोन के अध्यक्षता में संपन्न हुई इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम संबंधित बैठक। कैमरे की नजर में 21 चौराहों को रखने की बनी सहमति। यातायात नियमों को तोड़ने पर होगा ऑटोमेटिक चालान। 23 अक्टूबर को जेल रोड के पास से युवती से की गई मोबाइल लूट में शामिल दो अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से लूट का मोबाइल किया बरामद। एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा। दीपावली पर्व पर लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य विभाग ने बख्शीपुर स्थित एक रेस्टोरेंट पर मारा छापा। खाद्य पदार्थों के लिए नमूने नगर मजिस्ट्रेट ने कहा अनियमितता मिलने पर होगी कड़ी कार्यवाही। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने गुरुवार को शोधार्थियों को किया संबोधित। किया संवाद, कहा सेमेस्टर के आधार पर होगी परीक्षा। छात्रों ने जताई असहमति। भविष्य खराब करने का कुलपति पर लगाया आरोप। दीपावली पर्व के अवसर पर नगर निगम द्वारा आयोजित विकास दीपोत्सव मेला का महापौर सीताराम जायसवाल ने फीता काट कर किया उद्घाटन। मेले का किया अवलोकन, कहा लघु उद्योगों को मिलेगा बाजार, लोग बनेंगे आत्मनिर्भर। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तीसरे दिन स्वतंत्र भारत 75 सत्य निष्ठा से आत्मनिर्भरता विषय पर आयोजित हुआ सेमिनार। वक्ताओं ने कहा हम सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो जाए दूर, पर यह चाहते हैं भी हैं तो दूसरों से। गलत कार्यों का विरोध नहीं करते तो हम सब भी गलत कार्यों के माने जाते हैं भागी। 21 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की बैठक। 29 अक्टूबर से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान से अधिक सदस्य बनाने पर हुई चर्चा। और गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 244 केंद्रों पर कुल 18,155 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,572 और सेकंड डोज लेने वालों में 12,583 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का।